माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की। और कंटिन्यूटी का ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट टू। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फर्स्ट वीडियो देखिए। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आपकी 5.1 के, ये एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है, टॉपिक इज कंटिन्यूटी। तो आप उसके क्वेश्चन नंबर 1-12 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आपने देखा है, लिखा हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी पूछी है, इज दिस अ कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और दोनों को देखेंगे कि आर दे इक्वल। अगर इफ दे आर इक्वल तो फिर एक नई चीज जो एफ ऑफ ए है उसको देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, कौन से पॉइंट पे चेक करना है हमें, तो उसमें लिखा है कि इज दिस अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, एक्स अगर वन से छोटा है तो थ्रू आउट ये फंक्शन रहेगा, थ्रू आउट ये फंक्शन रहेगा विच इज अ पॉलीनोमियल एंड पॉलीनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो इसका मतलब है कि वन से पहले ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, वन के बाद ये पॉलीनोमियल है, इसलिए ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि इनके ग्राफ में वन से पहले और वन के बाद में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफ की बात मैंने की है तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स लेस और इक्वल टू वन से पहले का ग्राफ है। देखिए ग्राफ बनाता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का ग्राफ होगा। तो आप क्या करते हैं, एक्स की जगह जीरो रख देते हैं, वाई निकाल लेते हैं, एक्स की जगह जीरो रख देंगे, वाई आ जाएगा आपका फाइव, एक्स की जगह एक और कोई छोटी वैल्यू ले लें आप, वन ले ली आपने, वन ले ली तो ये वाई का वैल्यू आ जाएगा सिक्स। तो ये आपका ग्राफ जो है, ये कहाँ से, ये जो लाइन है, ये एक लाइन है जो कहाँ से जाएगी, जीरो फाइव और वन सिक्स से जाएगी। तो जीरो फाइव कहाँ मिलेगा आपको, जीरो फाइव यहाँ मिलेगा और वन सिक्स दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू वन रहेगी, वाई की वैल्यू ये फाइव मान ली हमने, तो ये वैल्यू लगभग y की 6 होगी। तो हमारी लाइन इस तरह की होगी। अब लेकिन ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन आप ध्यान से देखें, ये किसके लिए है, x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसके आगे नहीं ले जा सकते हम। ये लाइन आपकी कहाँ तक रहेगी, ये लाइन आपकी रहेगी 1 और 1 से पहले। तो 1 और 1 से पहले ये लाइन आप देखिए कंटिन्यूस है 1 से पहले। अब जैसे ही x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो फिर ग्राफ इससे बनेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का ग्राफ देखना चाहते हैं आप, तो x की वैल्यू आप ले लें 2, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, x की वैल्यू 4 ले लीजिए, x की वैल्यू 0 इसलिए नहीं मैं प्रिफर कर रहा हूँ आपको लेने को, क्योंकि इस केस में x इज ग्रेटर देन 1 है। तो x की वैल्यू अगर आप 4 ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1। तो 2, -3 कहाँ होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, माइनस 3 नीचे की तरफ होगा। तो ये दोस्तों, ये पॉइंट आपका 2-3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 4-1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 4-1 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस 3 है, इसको माइनस 1 मान लेते हैं और ये आपका पॉइंट है 4 है, तो 4 थोड़ा सा और आगे होगा, ये अंदाज से मैंने बना दिया है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आप इसको ज्वाइन कराते हुए एक लाइन बनाएंगे तो ध्यान से सुनिए, इसमें x की वैल्यू कहाँ से लेना है आपको, ग्रेटर देन 1, इससे बात की, इससे पहले की वैल्यू नहीं लेना है आपको, x ग्रेटर देन 1 और 1 भी नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हॉलो ऐसा ओपन बनाएंगे, इसको भरेंगे नहीं, लेकिन यहाँ वाला पॉइंट हम ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 इसके अंदर रख सकते हैं। इसके लिए इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ये जो लाइन है ये तो हमने ऐसे जजमेंट के लिए बनाई थी, अदरवाइज इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इस कर्व को, इसके ग्राफ को देख रहे होंगे,
कि ये इस पॉइंट पे वन पे क्या है आपका पॉइंट, वन पे ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। आप जैसे ही यहाँ से ग्राफ बनाते हुए आ रहे हैं, किधर से बनाते हुए आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से। मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि आप मेरा जो पिछला वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। माइनस इन्फिनिटी से आप ग्राफ बनाते आएंगे, माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा, ग्राफ तो कहीं यहाँ होगा, ऐसे बनता हुआ आएगा और बनता हुआ आएगा वन पे, वन पे ये यहाँ पर रहेगा सिक्स, वन जब वैल्यू होगी तो सिक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही वन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो हम ये लाइन मिल जाएगी, इसके लिए ये क्या होगा, इट विल बी अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो इसे कर्व का ये जो ग्राफ बना करके भी आप दिखा सकते हैं, वरना आप जो हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच है उस पर ध्यान दें। तो सिस्टमेटिक अप्रोच पे भी ध्यान देते हैं, तो लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। पर हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो कौन सा है, वन, क्योंकि हमने देखा ग्राफ में वन से पहले कंटिन्यूस था। केवल प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब जहाँ स्विचिंग होता है, जहाँ पॉइंट्स बदलते हैं, जैसे ये लेस देन और इक्वल टू वन, यहाँ ग्रेटर देन वन। इसमें देखिए आप, इसमें एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन वन, तो पॉइंट कौन सा होगा हमारा, पॉइंट होगा वन। एक्स लेस देन थ्री, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू थ्री। जीरो और टेन पे हम डिस्कस नहीं करने वाले, जीरो और टेन पे नहीं डिस्कस क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे एक ही कंडीशन है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो भी लगेगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिएगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन है पर एक्स ग्रेटर देन टेन नहीं है, जबकि इनके लिए, वन के लिए लेस देन और इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है, थ्री के लिए लेस देन भी है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसी तरह से यहाँ पर हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जीरो पे डिस्कस करेंगे और किस पे डिस्कस करेंगे, वन पे, क्योंकि जीरो और वन पे दोनों चीज़ें हैं। इसी तरह से यहाँ पर, तो आइए इसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट पे फोकस करेंगे। फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। इस केस में हमारा जो एक्स इज इक्वल टू ए है वो कौन है, वन है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। तो वन प्लस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, इस अकाउंट में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच माइनस फाइव। एच की जगह जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर। ये माइनस फोर इसका वैल्यू नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है, इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जब एच जीरो की तरफ जाएगा तब ये माइनस फोर की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच मतलब एफ ऑफ वन माइनस एच, एफ ऑफ वन माइनस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, लेस देन वन, ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले में जाएगा तो एक्स की जगह आ जाएगा वन माइनस एच, वन माइनस एच प्लस फाइव, एच की जगह जीरो रखेंगे ये सिक्स आएगा। आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, द फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन एट कौन से पॉइंट पे, वो भी लिखना ज़रूरी होता है, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जिसकी हमने कंटिन्यूटी चेक की दोस्तों, कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन थ्रू आउट एक्स की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच की, सब में कंटिन्यूस है एक्सेप्ट वन। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। आप क्वेश्चन नंबर 14 की हेडिंग देखें कि क्या है इस क्वेश्चन नंबर 14 में, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस 14, 15, 16, सब एक ही कंडीशन पर बने हैं, और वो क्या देखना है हमें, सबकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड लिमिट का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तीन केसेस हैं, सॉरी दो केसेस हैं, वन पर चेक करेंगे और थ्री पर चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हेडिंग डाल दूं मैं एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन, इसमें राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ कौन सा पॉइंट है हमारा वन, इसमें भी वही है एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस एच मीन्स एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फिक्स है फोर, फोर इज अ कॉन्स्टेंट। अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन दिस, आप एक्स की जगह ये रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स की जगह कुछ वैल्यू एक्स लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ रखेंगे आप, तो फिर आप इसी में रख देंगे, इसी में रख देंगे का मतलब क्या हुआ, हमने इसमें रख दी, अगर इफ सम एक्स इज देयर देन वी कुड सब्स्टिट्यूट इन दैट एक्स, अगर कुछ एक्स होता तो रखते, अब कोई एक्स है नहीं, कोई एक्स अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमने उस वैल्यू को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर, और आप इसी की लेफ्ट हैंड लिमिट, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आप अगर एक बार इनको कर लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एफ ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच वन से छोटा है, इसमें रखेंगे आप, तो ये कितना आ गया आपके पास, थ्री आ गया। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूस ही है, कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू वन, डिसकंटिन्यूटी वन पे है। अब आपको दूसरा पॉइंट जो दिया है थ्री, थ्री पे भी आप, मेरी सलाह है आपको थ्री पे एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, अगर आप एट एक्स इक्वल टू थ्री थ्री पे चेक करना चाहेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच के लिए कौन सा अकाउंट आएगा आपका, थ्री प्लस एच इसमें आएगा फाइव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फाइव, और एल एच एल क्या होगा आपका, एल एच एल हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ थ्री माइनस एच, वो ऊपर वाले केस में जाएगा, ऊपर वाले केस में देखें आप थ्री माइनस एच से क्या आएगी इसकी वैल्यू, फोर आएगी वैल्यू, फिर राइट हैंड इज नॉट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये हुआ डिसकंटिन्यूस, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, वन पे और थ्री पे, तो इसका आंसर होगा 14 का आंसर होगा दोस्तों, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड थ्री, दो एक्स की वैल्यूज हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी पे हमको चेक नहीं करना, बाकी पे ज्यादा बात भी नहीं करनी, तो ये था, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, और अगेन द हेडिंग इज सेम कि वी आर सपोज टू डिस्कस देयर कंटिन्यूटी, तो उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, तो 15th में देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 15th की राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसमें भी दो पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, एक जीरो और वन, तो हम लिख दें यहां पे हम कौन से पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं, यहां पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक करेंगे हम, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह चाहें तो हम जीरो प्लस एच लिख देंगे, ए की जगह जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच आता है यहाँ पर, तो ए क्या है आपका, ए जीरो है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है, देखिए आप जीरो से बड़ी कौन से अकाउंट में जाएगी, एक्स वन जीरो से बड़ा है तो ये जीरो, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो गया जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ए माइनस एच लिखते हैं हमने, जीरो माइनस एच लिखा, ये इस अकाउंट में जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू इंटू जीरो माइनस एच, एच की जगह जीरो रखिए, जीरो आया, एफ ऑफ जीरो कहाँ से निकालेंगे आप, एफ ऑफ जीरो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो, देखिए व्हेन एक्स इज जीरो इट्स वैल्यू इज जीरो, तो आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ जीरो,
तो ये कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है जीरो पे। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? तो अब अगले पॉइंट पे हम चेक करेंगे, वन पे। तो वन पे भी हमें इस तरीके से करना होगा, राइट हैंड। तो हेडिंग डाल देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन। राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, क्योंकि हमने पॉइंट दे दिया वन, तो वन प्लस एच डायरेक्ट लिख दिया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच, जब फंक्शन की वैल्यू वन से बड़ी है तो कौन सा केस लेना है हमें? ये वाला केस लेना है। तो ये हो जाएगा आपका फोर इंटू वन प्लस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा फोर इंटू वन प्लस जीरो मीन्स फोर। एल एच एल निकालेंगे हम, एल एच एल देखिएगा, एल एच एल होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। तो ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एच ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा, मतलब बीच वाले में। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वन माइनस एच, वन से तो छोटा होगा पर जीरो से बड़ा होगा। क्यों जीरो से बड़ा होगा, ध्यान से सुनिए। वन माइनस एच, एच की वैल्यू निगलिजिबल होती है, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन। तो इसका आंसर होगा जीरो पॉइंट नाइन 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 नाइन। तो ये वन माइनस एच वन से छोटा होता है पर जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये इसी में रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते, और इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो ये आपने देखा कि इसका आंसर जीरो आ गया है। राइट हैंड अगेन द सेम थिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दैट दे आर नॉट इक्वल। उस केस में इक्वल थे, एफ ऑफ जीरो भी इक्वल था, दैट इज़ वाई फंक्शन वॉज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और इसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आई है? वन पे। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? आंसर लिखेंगे, बोला था हमें कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो क्या लिख सकते हैं हम? द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन आर माइनस वन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। दोनों ही आंसर हैं। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये देखिए, आपने काफ़ी अच्छे सवाल हैं और काफ़ी स्कोरिंग और कंसेप्चुअली साउंड क्वेश्चन है, हर तरह की बात इसमें आपको सीखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वो काम कर दें और हमारा रिलेशन एक सॉलिड रिलेशन बन सके। अब आप देखिएगा, इसमें आपको क्या निकालना है? तो इस केस में दो पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दूसरा पॉइंट है आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन में राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच, माइनस वन से बड़ा, ये केस टू इंटू माइनस वन प्लस एच, एच की जगह जीरो रख दें माइनस टू आएगा। एल एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच, माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटा देखिएगा, माइनस वन से छोटा, तो माइनस वन से छोटे का डायरेक्ट आंसर इसका माइनस टू। अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो तीसरी चीज पे डिस्कशन करते हैं, एफ ऑफ माइनस वन इज वॉट। एफ ऑफ माइनस वन इसमें रखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन में, तो आउटकम इज वॉट? माइनस टू। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे। एक्स इज इक्वल टू वन पे देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू वन पे राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस एच वन से बड़ा, वन से बड़ा ये केस है, इसमें आगे आंसर आपका टू। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन से छोटा, वन से छोटा मतलब ये केस टू इंटू वन माइनस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे ये आ जाएगा टू। ये दोनों इक्वल आ गए तो अब नई चीज एफ ऑफ वन भी निकालना होगा। तो व्हाट इज एफ ऑफ वन? यहाँ पर ये देखिए एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ रख सकते हैं इस केस में, तो आएगा आंसर टू इंटू वन। इसमें फिर क्या हुआ?
फिर हुआ राइट इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू वन। माइनस वन पे भी कंटिन्यूस है, वन पे भी कंटिन्यूस है, और मैंने आपको बताया कि ये जो ग्राफ से हमने बात समझी थी इसको ग्राफिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम, y कहते हैं एफ ऑफ एक्स को, y y इक्वल टू माइनस टू क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये माइनस टू है, y इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, कहाँ से माइनस वन से जब छोटा है, तो माइनस वन यहाँ पर है x इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा माइनस वन पे, ये माइनस वन से छोटे पे इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और माइनस टू के बाद जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस वन से बढ़ती है तो ये लाइन क्या बन जाती है, ये लाइन बन जाती है वाई इज इक्वल टू टू एक्स। वाई इक्वल टू टू एक्स को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं आप, तो एक्स की वैल्यू एक काम करें आप, y x की वैल्यू माइनस वन डाल दें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू, तो माइनस वन कॉमा माइनस टू तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका, फिर क्या डाल दें x की जगह जीरो डाल दें तो ये जीरो आ जाएगा, ये आ गया, तो ये लाइन ऐसी हो गई हमारी दोस्तों, ये लाइन कैसी बन गई, इस तरीके की लाइन बन गई, क्योंकि ये जीरो जीरो से भी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है। फिर एक काम करेंगे, ये लाइन जो दी है y बराबर टू है, ये ना वाई इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू, फिर एक लाइन होगी x एक्सिस को पैरेलल, ये x एक्सिस को पैरेलल बना दी y इक्वल टू टू, ये मालूम नहीं कि यहाँ कनेक्ट होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए ये हमें पता है कि यहाँ कब जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये लाइन काम करती है, तो ये लाइन काम करती है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी तो उसके बाद ये लाइन होगी, यहाँ पर ये हॉलो रहेगा, हॉलो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 इसमें नहीं रख सकते, पर हाँ x की वैल्यू 1 इसमें रख सकते हैं इसमें, तो जब मैं x की जगह 1 इसमें रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 2, और ये भी 2 है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो जहाँ ये हॉलो था वो यहाँ जा कर के इसको उस सॉलिड से भर देगा, तो सॉलिड से भर देगा, तो अब आप देखिए कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ और बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अभी तो मैंने अलग अलग उससे किया था जब, लेकिन अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए कहीं भी मुझे पेन की टिप कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं उठानी होती है, इसलिए ये कंटिन्यूस है आर में, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आर, क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आर। अगर आप इसमें ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, आप इसमें राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो माइनस वन पे, और राइट लेफ्ट निकालो वन पे, अगर दोनों केसेस में कंटिन्यूस आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट इज़ कंटिन्यूस इन आर, नो नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ, इस ग्राफ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, तो आप ये ग्राफ से भी बात समझ सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कंटिन्यूटी शो कर सकता है वो चाहे तो। और अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17, 18, तो 17 बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एक ऐसी रिलेशनशिप निकालनी है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 बिकम्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। तो हमको एक रिलेशनशिप निकालनी है, वी आर सपोज टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। तो अगर ये कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो तीन चीज़ें बराबर होंगी, क्या क्या तीन चीज़ें बराबर होंगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ए क्या हो जाएगा इस केस में, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 पर डिस्कशन करना है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, एफ ऑफ 3 प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एफ ऑफ 3 माइनस एच, और इक्वल टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3